ग्रेडेड लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत ये हम दूसरी वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें हम डेटा भरकर कैसे सिंक किया जाएगा यह जानेंगे। तो प्रथम जीपी गवर्नमेंट, इस पे हम क्लिक करके ऐप के अंदर जाते हैं। इस एप्लीकेशन में सबसे पहला जो मैसेज आ रहा है वो सिंक्रोनाइज करने के लिए आ रहा है कि मैनुअल सिंक बटन का यूज करते हुए हमें डेटा सिंक करना है। उसके बाद सबसे ऊपर राइट साइड कॉर्नर पे देखते हैं, जहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है, क्लिक हेयर टू सिंक लिखा है। तो इसी सिंबल पे हमें क्लिक करके डेटा को सिंक करना है। राइट साइड नीचे देखते हैं तो यहाँ क्लिक हेयर ऐड न्यू स्कूल, जो प्लस का निशान है, इस पर क्लिक करके हम अपने स्कूल को ऐड करके पाएंगे। तो ये पेज माई स्कूल का है, जिसमें उसके नीचे इसी यूपी लिखा हुआ है, और इस पर हम अगर क्लिक करते हैं तो दो और ऑप्शन दिखाई देते हैं, ग्रेडेड लर्निंग स्टैंडर्ड 1-2, ग्रेडेड लर्निंग 3-5। तो जिस क्लास ग्रुप का मुझे यहाँ पे डेटा भेजना है उसका हम चयन करके यहाँ भेजेंगे। जैसे कक्षा 1-2 का डेटा अगर हमें भेजना है तो कक्षा 1-2 चयन करके हम स्कूल ऐड करेंगे प्लस पे क्लिक करके। यदि हमें 3-5 का डेटा भेजना है तो 3-5 सेलेक्ट करके प्लस पे ऐड करके अपना स्कूल ऐड करेंगे। अब हम यहाँ उदाहरण के तौर पे कक्षा 1-2 का एक स्कूल ऐड करके समझते हैं। तो 1-2 में सेलेक्ट किया, ऊपर प्लस के निशान पे क्लिक किया। अब ये बेसिक जानकारी मांग रहा है ऐड स्कूल के लिए, इसमें हम चूज डिस्ट्रिक्ट, एक उदाहरण के तौर पे ज़िला लेते हैं। मैं 3 से 4 लेटर यहाँ पे हम लिखते हैं तो नीचे ड्रॉप डाउन में नाम देने लगता है। ऐसे ही ब्लॉक का नाम मुझे लिखना है, आ गया। क्लस्टर का नाम डालना है, 3-4 लेटर लिखेंगे, नीचे ड्रॉप डाउन में अपने आप जो है उसे संबंधित नाम दिखने लगेंगे, और अपने उचित नाम को यहाँ पे चयन करते हुए हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं उस क्लस्टर के जितने भी स्कूल हैं वो सभी यहाँ पे दिखने लगते हैं। तो मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है PS राजगढ़। हम इस पे जैसे ही उंगली रखेंगे इस पे एक शेडिंग हो जाती है, और नीचे देखते हैं सो सेलेक्ट में 1 लिखा हुआ आता है। इस सो सेलेक्ट पे क्लिक करते हुए सेव करके इस स्कूल को हम मेन पेज पर ले आएंगे। सेव हमने कर दिया है और यह स्कूल हमारा मेन पेज पे आ गया है। अब यहाँ पे PS राजगढ़ में हमें उसके बगल में एक सिंबल सर्कल दिख रहा है ग्रीन कलर का, जहाँ से हमें अपने डेटा को भरना है। हम अपना असेसमेंट डेटा कक्षा 1-2 के लिए यहीं से भरेंगे। 1-2 इसलिए जो ऊपर हमने 1-2 ही सिलेक्ट किया है, वहीं पे स्कूल की जानकारी मैंने ऐड की है। तो यहाँ पे हम क्लिक करके अंदर चलते हैं। ये हमारा असेसमेंट रिपोर्ट है, यहाँ पे एक छोटी सी रिपोर्ट बनेगी जब हम डेटा भर देंगे। नीचे क्लिक हेयर टू ऐड न्यू टेस्ट। अब इस टेस्ट की जानकारी को भरने के लिए हमें प्लस पे क्लिक करना होगा। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे हमें जानकारियाँ भरनी हैं कक्षा 1-2 की टेस्टिंग से संबंधित। तो डेट ऑफ टेस्ट, जिस तारीख को हमने टेस्टिंग की है, वो यहाँ पे चयन करके हम रखेंगे, लिखेंगे 22। फिर उसके बाद कौन से साइकिल है टेस्टिंग की, ये हमारी बेसलाइन सबसे पहले है। बेसलाइन के नीचे ये डेटा किस प्रकार का हम यहाँ पे इंटर कर रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ डेटा आर यू एंटरिंग। सो यहाँ पे हम, ये हमारा डेटा होगा इंटरवेंशन का। सो यहाँ हमें याद रखना है कि हम डमी डेटा यूज करेंगे जब अब सीख रहे हैं, तब सीखने के दौरान हमें डमी डेटा ही सेलेक्ट करना है, और जब हम अपने स्कूल का ओरिजिनल डेटा भेजेंगे तो वो इंटरवेंशन डेटा पर भेजेंगे। तो हम अभी सीखने के लिए डमी डेटा यूज करते हैं, लेकिन जब स्कूल का डेटा भेजना है तो हमें इंटरवेंशन ही सेलेक्ट करके डेटा भेजना है, तभी ये सही तरीके से डेटा हम पहुंच पाएगा। तो सीखने के लिए हम डमी अभी यूज करते हैं। इसके आगे कितने टीचर ट्रेंड हुए हैं, तो 1 टीचर ट्रेंड हुए हैं यहाँ पे कक्षा 1-2 के लिए। फिर उसके बाद कक्षा 1 में ग्रेड 1 ग्रेड 2, ये जो है कक्षा 1 और कक्षा 2 को इंगित कर रहा है। तो ग्रेड 1 में जो है टोटल नामांकन कितना है, यहाँ पे उदाहरण के स्वरूप हम कुछ नंबर ले रहे हैं। टेस्टेड बच्चे हमारे 20 20। अब हर एक स्तर पे हम बच्चों का
लेबल दर्शाएंगे कि बिगनर, लेटर, वर्ड, पैरा, स्टोरी, कक्षा एक के लिए कितने अलग अलग बच्चे हैं, और ऐसे ही राइट साइड में कक्षा दो का दिखाएंगे बिगनर, लेटर, वर्ड, पैरा, स्टोरी। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पे कुछ नंबर डाल दे रहे हैं। ध्यान रखें कि कोई भी सेल खाली नहीं रहना चाहिए, और नीचे आप देखेंगे कि ये ज़ीरो नंबर दिख रहा है कि मतलब सभी बच्चे जो टेस्ट हुए हैं वहाँ इनको हमने यहाँ पे दर्शा दिया है। ऐसे ही कक्षा दो के लिए हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद नंबर रिकंसिलेबल मतलब गणित की जानकारी को मुझे यहाँ पे दर्शा, तो बिगनर टोटल 20 बच्चे हैं, उसमें से बिगनर पे कितने बच्चे हैं वो हम दर्शाएंगे यहाँ पर। कक्षा दो का जानकारी हो गया ऑपरेशन। अब संक्रियाओं की हम चीज़ों को दर्शाएंगे। तो संक्रिया में सबसे पहले एडिशन कैन, जो बच्चे जोड़ कर सकते हैं उनकी संख्या, तो इसमें बच्चे करने वाले 15 हैं। एडिशन कैन नॉट, 5 नहीं कर सकते हैं। कक्षा एक में ही सब्ट्रैक्शन कैन, कितने सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो 12 कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन कैन नॉट, कितने सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। फिर कक्षा दो के लिए एडिशन कैन, कितने बच्चे जो है एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन सेम ऐसे ही कितने बच्चे कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपना लोकेशन देंगे। लोकेशन देने के बाद डेटा सेव कर देंगे। टेस्ट यहाँ पे सही तरीके से सेव हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे रिपोर्ट अभी नहीं दिख रही है, इसके लिए हमें डेटा टाइप ऑफ डेटा में जाकर अपना इंटरवेंशन डमी सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि डेटा मैंने यहीं पे इंटर किया है, और ये एक छोटी सी रिपोर्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो आप ये याद रखें कि अभ्यास के लिए, सीखने के लिए डमी डेटा सेलेक्ट किया जाएगा, और हमें अपने स्कूल का डेटा भेजने के लिए इंटरवेंशन डेटा ही सिलेक्ट करना है। अब हम यहाँ पे आते हैं मेन पेज पे और वहाँ देखते हैं। तो मेन पेज पे हम देखते हैं कि एक इसमें BL लिख के आ रहा है उस सर्कल पर जहाँ पे हमने अभी क्लिक करके हम एंटर हुए थे, और उसके किनारे किनारे एक रेड जो है लाइन दिख रही है, और स्कूल के बगल में भी एक लाइन रेड कलर की हमें दिख रही है, और ऊपर देखेंगे जहाँ सिंक का बटन था उस पर एक बड़ी लाइन थी जो इस समय नहीं दिख रही है। अब ये संकेतक हैं जो बता रहे हैं कि अभी डेटा जो है हमारे मोबाइल में ही है, ये सिंक नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हम इसी सिंक बटन को दबाकर डेटा सिंक करेंगे। तो आप देख रहे हैं सिंकिंग प्लीज़ वेट प्रोसेस में है, और ये इंटरनेट ऑन रहेगा, और इस समय हम इस डेटा को तुरंत सिंक कर पाएंगे। अब ये डेटा सिंक हो गया है। आप ये ध्यान रखें कि डेटा सिंक करते वक्त आप नेटवर्क जोन में हैं। धन्यवाद।